सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफर अंजुम निसार। अब से लेकर ठीक रात के 10:30 बजे तक हम आपको आपकी पसंद के नगमे सुनवाएंगे। और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हमें जहूर साहब ने लिखा है, आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद बट जीशान साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, मुस्तकिल सामिया हैं, आप भी हमारे आंचार सोरा से आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आपने नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में। डार बबलू साहब हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम निसार साहब एंड लिसनर्स। वालेकुम अस्सलाम दोस्त। और आगे आप लिखते हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे सर, अगर हो सके ये सॉन्ग सुना दीजिएगा। और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं, कल की आवाज़ फिल्म से आपने नगमा सुनना चाहा है, हम कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। और मुगल नवाज साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, और आपने भी नगमा सुनना चाहा है, आप हिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ते हैं। और मंजूर अहमद लोन साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने भी नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको भी आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। और बहुत सारे दोस्त आज हमारे प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुए हैं, आप सभी दोस्तों का हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम आप सब दोस्तों की फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। और बट इश्तियाक साहब हैं, जी हाँ,
ये भी नगमा सुनना चाहते हैं, आप बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और वीर गौहर साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम निसार साहब। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। और मंजूर अमल लोन साहब जो हैं, ये बड़वन गुरेज से हमारे साथ जुड़ते हैं। जी हाँ, तो आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। यूनुस खान साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने नगमा सुनना चाहा है, आप शुपियां से हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं। कुमार सानू की आवाज़ में आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनना चाहा है, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। अर्शीद डार साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप लिखते हैं, सर अस्सलाम वालेकुम, मैं गाना सुनना चाहता हूँ, और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं, बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। बट निसार साहब ने सलाम लिखी है, और मोहम्मद इकबाल साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। जैद अनवर साहब हैं, आप बरसात की एक रात फिल्म से नगमा सुनना चाहते हैं, आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपके लिए आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। शबीर हुसैन साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। बट निसार साहब ने भी सलाम लिखी है, हमारे प्रोग्राम की मुस्तकिल सामियां शाजिया खान साहब प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हो सर, मेरी तरफ से सब दोस्तों को सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वालेकुम अस्सलाम बहन। मुदस्सर आखुन साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले नगमा सुनते हैं, आओ प्यार करें, इस फिल्म से नगमा है, यूनुस खान साहब ने इसकी फरमाइश की है। जी हाँ, और ये शुपियां से हमारे प्रोग्राम में जुटे हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने सुनना चाहा है कुमार सानू की आवाज़ में, हम आपके लिए ज़रूर पेश करेंगे। बाकी जितने भी दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आप सबको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको ये प्रोग्राम ज़रा भी पसंद आता है, तो प्लीज़ आप इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। समीर शाह साहब हैं, आपने भी सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और मीर फेरोज साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने प्रेम रोग फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में। मोहम्मद असलम खटाना साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। यासिर यारी अरफात साहब, आप भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। दिलबर अब्बास साहब हैं, आप भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने मोहरा फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाने की। और पीरजादा आरिफ साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, ऑलवेज द नाइस प्रेजेंटेशन बाय कश्मीर कन्वीनर, कीप इट अप। शुक्रिया मेरे दोस्त, आप भी अगर अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं, आप हमें लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। फिलहाल कुमार सानू की आवाज़ में नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है, और यूनुस खान साहब ने इसकी फरमाइश की है। तो मेरे दोस्त, ये रही आपकी पसंद, और आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा।
जुल्फों से उड़ी खुशबू प्यार की, होठों पे खिल गई कलियां बहार की, होठों पे खिल गई कलियां बहार की। फूल से पर्दा कीजिए, हाँ फूल से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे चांद से पर्दा कीजिए। लगती हो किसी शायर का ख्याल, ऐसी सादगी तो है खुद में तुम्हें बेनिसार। खुद से पर्दा कीजिए। दे आप गर बन जाए दास्तां, हंस दे आप गर बन जाए दास्तां, पलके जो झुकी कहीं झुक जाए आसमां, पलके जो झुकी कहीं झुक जाए आसमां। रब से पर्दा कीजिए, रब से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का। दोस्तों, आपने कुमार सानू की आवाज में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना, और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे, गजलें, गैर फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 से लेकर रात के 10:30 तक हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेजबान, आपका दोस्त, आपका हमसफर अंजुम निसार। शौकत दीन साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। आपने लिखा है कि कल हमने आपकी फरमाइश यहाँ पे पूरी नहीं की, और आप लिखते हैं कि आज हम आपकी फरमाइश यहाँ पे पूरी करें, गजल सुननी चाहिए आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और आशिया वानी साहिबा भी प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और बहुत दूर से एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब, आप भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका दिल की गहराइयों से हम इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। मीर शब्बीर शाकिर साहब ने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और भवानी सिंह राजपूत हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लिखते हैं, नमस्कार सर, पहली बार सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। तो भवानी साहब, आपका हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। आप भी अगर अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं आप हमें लिखें, और साथ में ये ज़रूर लिखें कि भवानी बाई के आप कहाँ से हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं, और इतना भी ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। और मीर इमरान साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने सलाम लिखी है, और उसके बाद आपने लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। शेख आबिद साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम।
और जूनी, जी हाँ, इस नाम के एक हमारे सामने हैं, ये भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और समीर लोलाबी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लेकिन इनका कमेंट जो है वो मेरी नज़रों से एकदम से ओझल हो गया, तो मैं पढ़ने से कासिर हूँ। आज़ाद एजाज साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, हमारी दुआ है कि आप दिन ब दिन तरक्की करें। वैसे तो आज सभी सॉन्ग्स ऑनलाइन सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग ही लुत्फ है। मेरे लिए ये सॉन्ग प्ले कीजिए और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह से अपने जज्बात और प्यार का इज़हार किया। हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं, आप बने रहें प्रोग्राम में। और शौकत दीन साहब लिखते हैं, शौकत अहमद दीन फ्रॉम खैरीबल मट्टन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। तो दोस्त, आप बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे नगमा। और अरमान खान साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने भी नगमा सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बने रहें प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपकी पसंद पूरी करेंगे। शौकत दीन साहब ने नगमा सुनना चाहा है, बल्कि गज़ल सुननी चाहिए, तो ये रही आपकी पसंद। तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके, शाम के बाद फिर सहर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। रात भर सोचता रहा तुझको, रात भर सोचता रहा तुझको, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात की 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हम सफ़र अंजुम निसार। विल विशर नाम के एक हमारे सामिया हैं,
इन्होंने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है, हम आपके लिए पेश करेंगे। और एक अनाउंसमेंट यहाँ पे हमें मिली है, खबर मिली है, ये है जैद अनवर साहब, ये लिखते हैं हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो कल शेड्यूल है बांडीपोरा से गुरेज तक के लिए, और 10:30 बजे इन्होंने कहा कि अगर मौसम साजगार रहा तो सभी पैसेंजर्स हेलीपैड पर आ सकते हैं। और प्रदीप वधा साहब हैं, आप भी आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और मुश्ताक अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। मलिक राबिया मलिक साहबा हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद आपने एक नगबे की बोल यहाँ पे लिखे हैं जो आप सुनना चाहती हैं। मैं आपसे माजरत खाऊं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हमारे प्रोग्राम का एक छोटा सा फॉर्मेट है, अगर आप उस हिसाब से यहाँ पे नगमा टाइप करेंगे तो मैं समझ पाऊँगा कि आप कौन सा नगमा सुनना चाहते हैं। मीर असरार साहब हैं हमारे प्रोग्राम की जान, आप भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने भी सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम, और आप आदिल बशीर साहब को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ हैं, होंगे मेरे दोस्त यहीं कहीं पे, आप प्रोग्राम में आए तो भला और लोगों की क्या ज़रूरत है। और सोफी ताहिर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने हेलो लिखा है तो हेलो मेरे दोस्त। और भवानी सिंह राजपूत जो हैं, आज आप पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका दिल की गहराइयों से हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। मुदस्सिर भट्ट साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, और बिलाल सईद साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। शौकत मठ साहब हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, और आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम निसार साहब, कैसे हो सर, एक कश्मीरी नगमा सुनना है, और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे दोस्त, और कोशिश करूँगा आपको आपकी पसंद का ये नगमा सुनवाने की कश्मीरी। और आशिक हुसैन साहब हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम निसार साहब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत मुद्दत के बाद आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका खैर मकदम करते हैं, देर से ही सही लेकिन आप हमारे प्रोग्राम में आए तो यकीन मानिए बड़ी खुशी हासिल हुई आपको यहाँ पे देख के। और अब जो है हम नगमा सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, वेल विशर एक हमारे सामिया हैं, उन्होंने इसकी फरमाइश की है। और समीर लोलाबी साहब से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप एक बार फिर अपना कमेंट यहाँ पे करें, क्योंकि एक बार फिर से आपका कमेंट मेरी नज़रों से ओझल हो चुका है। और फिलहाल नगमा सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, वेल विशर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने सुनवाने की फरमाइश की है, तो मेरे दोस्त ये रही आपकी पसंद। हर चेहरा यहाँ चांद, हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जरा सितारा, हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जरा सितारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जरा सितारा, हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जरा सितारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। हर चेहरा यहाँ चांद, हंसती है जो कलियां तो हंसी फूल है खिलते, हंसती है जो कलियां
तो हंसी फूल है खिलते है लोग यहाँ जैसे उतर आए फरिश्ते ओ हर दिल से निकलती है यहाँ प्यार की धारा हर दिल से निकलती है यहाँ प्यार की धारा ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा जन्नत का नजारा हर चेहरा यहाँ चांद दोस्तों आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान आपका दोस्त आपका हमसफ़र अंजुम निसार। दोस्तों हमारे दोस्त इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं मुस्तकिल सामिया हैं आप भी हमारे मीठी आवाज़ के मालिक हैं समीर लोलाबी साहब। आप लिखते हैं ए चांद अब यहाँ न निकल ए चांद अब यहाँ न निकल बेनाम से ख्वाब दिखाकर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अंजुम साहब व सभी सुनने वाले दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। आगे आप लिखते हैं पिछले कुछ दिनों से मेरी और मेरे दिल की हालत कुछ ठीक नहीं है। सोचा आज मन का बोझ हल्का कर दूं अपनी आवाज़ में एक गीत सुना दूं। अफसोस इस बात का है कि आज जिस्म और गले ने साथ नहीं दिया अलबत्त कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त मुझे बर्दाश्त करोगे शुक्रिया। और क्या कहूंगा मैं समीर लोलाबी साहब यकीन मानिए इससे पहले भी जब आपने यहाँ पे नगमा हमें सुनाया बहुत खुशी महसूस हुई और यकीन नहीं हुआ कि आप ही गा रहे हैं। ऐसा लगा जैसा कोई मंजा हुआ गुलकार गा रहा हो। आपने खुद इस तरह से जो हमारी एक हिसाब से फरमाइश पूरी करने की ठान ली है तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। रहा सवाल कि आप कुछ दिनों से आपकी हालत ठीक नहीं है तो बस यही कहूँगा कि ये दुनिया है जिंदगी है यहाँ तो ऐसे हालात आते रहते हैं। मन आप हल्का ना करें बिल्कुल आप मन का बोझ जो है उसको हल्का करें। और हमारी दुआ आपके साथ है कि आपके जो हालात जो इस वक्त सही नहीं है मेरे ख्याल में वो सुधर जाएँ अच्छे से। और आपने जो नगमा हमें सुनवाया है आपने हमें भेजा है और यहाँ पे जितने भी हमारे सामीन हैं उन सबको मैं बता दूं कि हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ये भी है कि अगर कोई अपनी आवाज़ में नगमा हमारे सुनने वालों को सुनवाना चाहे तो हम उनकी आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड करके हम अपने सामीन को सुनवाते हैं। तो आज जो है समीर लोलाबी साहब ने एक खूबसूरत नगमा हम सब के लिए रिकॉर्ड किया है तो आइए पहले वही सुनते हैं उसके बाद आप दोस्तों की बाकी फरमाशी नगमे सुनते हैं। फिलहाल समीर लोलाबी की आवाज में ये खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं। Thank you.
दोस्तों, आपने समीर लोलाबी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और समीर लोलाबी का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में हमें नगमा सुनवाया। अल्लाह से दुआ है कि आपके हालात जल्द से जल्द सुधर जाएं। और बहुत सारे दोस्त हैं जो आज हमारे प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुए हैं, सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। रियासत हुसैन साहब हैं, आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और आज जो हैं आपके बहुत सारे दोस्त जो हैं मेरे ख्याल में हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। ताहिरा जान हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। मीर तारिक साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और ताहिरा जान ने दिल तुझको दिया इस फिल्म से नगमा आपने सुनना चाहा है, लता मंगेशकर की आवाज़ में ज़रूर आपको सुनवाते हैं। प्रदीप जैन साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, प्रदीप साहब आपका भी हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। आप भी अगर अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं आप हमें लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। ज़ुबेर अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लिखते हैं, इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले सब दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम और ख़ासकर अंजुम सर को, उम्मीद है आप सब प्यारे दोस्त खैर आफियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। बट रकीब साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। और मीर फेरोज़ साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, सभी दोस्तों से गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करूंगा आप सभी दोस्तों की फरमाइश पूरी हो। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको ये प्रोग्राम ज़रा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तू
दोस्तों अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेजबान, आपका दोस्त, आपका हम सफर अंजुम निसार। बशारत मेराज साहब लिखते हैं, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट रेस्पेक्टेड अंजुम बाईज ओवरलुकिंग कमेंट्स ऑफ रेगुलर लिसनर्स फीलिंग लो ऑनेस्टी। मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा जो ये प्रोग्राम है ये बिल्कुल आपकी बदौलत है। जब आप यहाँ पे हैं तभी तो हमारा प्रोग्राम है। रहा सवाल आपके कमेंट्स को ना पढ़ने का, तो वजह सिर्फ ये है कि आज हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्त शामिल हुए हैं। तो आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम नए दोस्तों का सबसे पहले खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि हमने कई दोस्तों के कमेंट्स नहीं पढ़े हैं। तो वजह सिर्फ ये है कि हम हमारे नए दोस्तों का आज खैर मकदम कर रहे हैं। और एक और हमारी लिसनर हैं आयशा वानी साहिबा, आपने नगमा सुनना चाहा है प्यासा सावन फिल्म से, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और हमारे एक नए दोस्त प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, इन्होंने नगमा सुनना चाहा है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप यहाँ पे टाइप करें कि आप कौन सा नगमा सुनना चाहते हैं, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। फिलहाल नगमा सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में प्यासा सावन फिल्म से। आयशा वानी साहिबा ने इसकी फरमाइश की है, तो ये रही। और प्रदीप वधा साहब ने लिखा था कि वो नगमा सुनना चाहते हैं, तो प्रदीप साहब आप यहाँ पे कमेंट करें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। नगमा सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में प्यासा सावन फिल्म से। दोस्तों हम समझते हैं कि आपको हमारे प्रोग्राम से लगाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी कभार आपका जो प्यार होता है उससे किसी को इरिटेशन भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, आप जो ये बार बार स्टिकर्स यहाँ पे लगाते हैं, इससे ये होता है कि बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं। उस वजह से जो हमारे बाकी दोस्त हैं जिन्होंने अपने नगमे यहाँ पर कमेंट किए होते हैं, वो मेरी नज़रों से ओझला हो जाते हैं, तो ऐसे में हमारे प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो जाती है। आपसे मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के प्लीज़ आप स्टिकर्स यहाँ पे या कमेंट में यहाँ पे ना लिखें, ना दबाएं, क्योंकि इससे बेजा कमेंट्स आते हैं। तो इस वजह से जो बाकी दोस्त हैं उनके कमेंट्स जो हैं वो मेरी नज़रों से ओझल हो जाते हैं, तो प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, आप अपनी पसंद का नगमा टाइप करके रहने दीजिए, उसके बाद इंतज़ार कीजिए अपनी पसंद के नगमे का, हम ज़रूर आपके लिए वो नगमा पेश करेंगे। लेकिन जब आप बार बार इस तरह से स्टिकर्स यहाँ पे लगाते हैं तो इससे हमारे प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो जाती है। उम्मीद करूँगा कि आप आइंदा इस बात का ख्याल रखेंगे। Thank you.
दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेजबान अंजुम निसार। जान मोहम्मद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, मेरे भाई। आप भी अगर कोई अपनी पसंद का नगमा सुनना चाहते हैं, आप लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और हमारे एक दोस्त हैं जो पहली बार आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, इन्होंने नगमा सुनना चाहा है, हम आपके लिए ज़रूर पेश करेंगे। आपने दुल्हन फिल्म से नगमा सुनना चाहा है तो हम आपके लिए ज़रूर पेश कर रहे हैं मेरे दोस्त आपकी पसंद का नगमा। आपने ये तो नहीं लिखा है कि आप कहाँ से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लेकिन आज आप पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं तो दिल की गहराइयों से हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। बिलाल रज़ाक साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और संजीव जहा साहब लिखते हैं, अंजुम निसार साहब को प्यार भरा नमस्कार। संजीव भाई, आपको भी हमारी तरफ से प्यार और मोहब्बत भरा सलाम। आप भी अगर अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं, आप हमें लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। मीर फेरोज साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं, सर मेरी फरमाइश प्लीज़ आप इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप भी समझते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी प्रोग्राम का एक हिस्सा हैं कि हम जो हैं, हम हमारे नए दोस्तों को सबसे पहले मौका देते हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे नए मेहमान आए हुए हैं, तो हम सबसे पहले उन दोस्तों का ख्याल करेंगे, उसके बाद आपकी पसंद का नगमा भी हम आपके लिए ज़रूर पेश करेंगे अगर हमारे पास वक्त रहा तो। और संजीव जहाज साहब लिखते हैं, एक फरमाइश है सर, महबूब मेरे तू है तो दुनिया। आप बने रहें दोस्त मेरे प्रोग्राम में, हम ज़रूर आपके लिए आपकी पसंद का ये नगमा पेश करेंगे। फ़िलहाल जो नगमा हम आपको सुनवाते हैं, ये भी एक हमारे नए दोस्त आज पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, इन्होंने इस नगमे को सुनना चाहा है तो हम उनके लिए ये नगमा पेश करेंगे। जी हाँ, इनका नाम है प्रदीप वधा साहब। इन्होंने ये तो नहीं लिखा है कि ये कहाँ से हैं, लेकिन आज पहली बार आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं तो मेरे दोस्त, ये रही आपकी पसंद। Oh,
दोस्तों आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, और आइए प्रोग्राम के आखिर में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुनते हैं। और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है हमारे नए दोस्त संजीव झा साहब ने। और आप भी आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं तो आपके लिए आपकी पसंद का नगमा हम पेश कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम एक घंटे का होता है, तो इस वक्त जो हमारे स्टूडियोज में घड़ी लगी हुई है इसमें टाइम हुआ है, जी हाँ, 10:24:40। तो इसका मतलब है अब ये हमारी आज की नशस्त का आखिरी नगमा होगा, तो ये हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। जी हाँ, इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है संजीव झा साहब ने। हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का नगमा। बाकी जितने सारे दोस्त हैं इस प्रोग्राम में जिन्होंने आज अपनी पसंद का नगमा वक्त की कमी के सबब नहीं सुना, उन सब से मेरी गुजारिश है कि कल आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होइएगा। कल हम आपकी पसंद का नगमा आपके लिए ज़रूर पेश करेंगे। प्रदीप वधा साहब लिखते हैं कि वो जागर हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त कि आप इतनी दूर से हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं। प्लीज़ आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल हमारे सुनने वाले जो सामिन हैं उनके बिल्कुल मन के मुताबिक यहाँ से नष्ट हो। और गोरी राम राजपूत भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, नमस्कार लिखते हैं आप, और आपका भी हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। फिलहाल आज के प्रोग्राम से आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपको इस खूबसूरत नगमे के साथ छोड़ रहा हूँ। आप इस खूबसूरत नगमे को सुनिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। मौसम की तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं।
नहीं है महबूब मेरे। रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके। नजदीक आजा फिर देखूं तुझको जी भर के। मेरे जैसे होंगे लाखों कोई भी तुझसा नहीं है महबूब मेरे। ओ महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। तू है तो दुनिया कितनी हसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है।